वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। एंड आज मैं भी शेयर करने वाली हूँ दिस ब्यूटीफुल गणेश चतुर्थी मेकअप ट्यूटोरियल। एंड हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू, गणपति पप्पा मोरिया। एंड आज मैं भी शेयर करने वाली हूँ दिस ब्यूटीफुल बहुत ही सिंपल मेकअप ट्यूटोरियल, ठीक है, क्योंकि बहुत ही से मिनटों में हो जाएगा। अगर आप बिगनर हो तो भी आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। एंड इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। आई थिंक कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसा लगा। एंड यार, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं अप्लाई करूंगी मॉइस्चराइजर, ठीक है। अपने स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड मैंने पे यूज़ किया है ये सिंपल का हाइड्रेटिंग जेल क्रीम, एंड बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। बहुत अच्छे से आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है क्रीम एंड मॉइस्चराइज करती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है आपको जरूर इसको ट्राई करना चाहिए, यू विल लव इट। सो नेक्स्ट मैं अपने ब्राउज को जैसे फिल कर लूंगी एंड उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये स्विस बीबी की ब्राउ पेंसिल गाइज इन द शेड ब्लैक ग्रे। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर एंड उसके लिए मैं भी यूज़ कर रही हूँ ये मेरा फेवरेट इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर गाइस। ये काफ़ी अफोर्डेबल है और एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ फाउंडेशन एंड उसके लिए मैं भी यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन गाइस इन द शेड 332 गोल्डन कैरेमल। सो नेक्स्ट मैं अपने फेस को थोड़ा सा कॉन्टोर करूंगी एंड उसके लिए मैं भी यूज़ कर रही हूँ ये ब्लू हेवन का स्ट्रोब एंड शेप कॉन्टोर एंड हाईलाइटर स्टिक गाइस। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लश एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कफ्स एंड लैशेज का इट्स डूई लिक्विड ब्लश गाइस इन द शेड 06 जिस 1-2 डॉट। बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है ये ब्लश, थोड़ा सा अपने चिन पे, थोड़ा सा अपनी नोज पे। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ कंसीलर एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का लिक्विड कंसीलर गाइस इन द शेड 06 एंड ये मेरा फेवरेट है। काफ़ी अफोर्डेबल है एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है एंड काफ़ी अच्छी कवरेज है इसकी। सो नेक्स्ट मैं अपने फेस को जैसे सेट कर लूंगी एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्विस ब्यूटी का क्रेज मेकअप फिक्सर गाइस। इससे भी जितना पाउडर इफेक्ट है ना वो चला जाएगा और मेरा मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ हाइलाइटर एंड उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का सिल्क मॉविश हाइलाइटर इन द शेड 02 रेसबेरी एंड दिस इज़ वेरी क्रीमी बटरी हाइलाइटर गाइस। दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड अफोर्डेबल ऑल्सो।
वाओ। सो मेकअप सेट करने के लिए मैंने अभी यूज किया है ये मार्स का ट्रेंड सेटिंग पाउडर गाइस इन द शेड बनाना। दिस इज वेरी गुड अफोर्डेबल लूज पाउडर जिससे आपका मेकअप बहुत अच्छे से सेट हो जाता है एंड बिल्कुल भी क्रीजेस नहीं पड़ते और बिल्कुल अच्छे से ब्लर आउट कर देता है आपके फाउंडेशन को एक तरह से। एंड या दिस इज वेरी गुड लूज पाउडर। सो नेक्स्ट हम करेंगे आई मेकअप एंड इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये कफ्स एंड लैशेस का द शाई स्टाइल 12 कलर आई शेडो पैलेट गाइज एंड दिस इज वेरी अफोर्डेबल एंड परफेक्ट आई शेडो पैलेट फॉर एवरी डे। और अगर आप बिगनर हो थिंग और अगर आपको मेकअप में कुछ भी नहीं आता है तो आप ये वाला आई शेडो पैलेट जरूर ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत बेसिक शेड्स है जो कि एवरी डे के लिए भी परफेक्ट है एंड ओकेजन के लिए भी। सो आज हम बहुत सॉफ्ट एंड सिंपल ब्राउन स्मोकी आई मेकअप लुक करेंगे गाइज जो कि डे लुक के लिए एकदम परफेक्ट है एंड अगर आप बिगनर हो तो भी आप बिल्कुल आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, सो या इसके लिए मैं यही वाला पैलेट यूज करने वाली हूँ। सो फर्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ये मार्स का ब्राउन काजल। ठीक है, अपने आईलिड्स पे इसको आप कैसे भी लगा सकते हो। ठीक है, मोटा पतला कैसे भी होगा चलेगा। इसको अच्छे से मैं स्मच कर लूंगी। सो नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ दिस शेड अपनी क्रीज पर। सो नेक्स्ट अप्लाई करूंगी दिस शेड अपनी अपर क्रीज पर ताकि थोड़ा सा यू नो स्मोकी इफेक्ट आ जाए यहाँ पे ऐसे ताकि थोड़ा सा ओम्ब्रे इफेक्ट आए। सो नेक्स्ट मैं सेम मार्स का काजल अप्लाई कर रही हूँ अपने लोअर लैशेस पे एक एंगल ब्रश की हेल्प से एंड इसको भी मैं अप्लाई करते हुए अच्छे से स्मच करूंगी। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई करूंगी दिस शेड अपनी लोअर लैशेस पे। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ दिस गोल्डन शिमर शेड अपनी इनर वी पे थोड़ा सा। सो नेक्स्ट अप्लाई कर रही हूँ मार्स का न्यूड काजल अपनी आंखों को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए। यू कैन सी द डिफरेंस, ये बिल्कुल भी ऑड नहीं लग रहा, बिल्कुल भी अलग से कुछ लगाया हुआ ऐसा नहीं लग रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नेचुरल लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आप वाइट काजल लगाते हो ना तो बहुत ज़्यादा यू नो ऑड लगता है, वो पता नहीं अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या लगाया हुआ है। मुझे तो काफ़ी अजीब लगता है एक्चुअली। सो अगर आप भी वाइट काजल पसंद नहीं करते हो तो आपको ये न्यूड काजल जो है ऐसा कोई ज़रूर बाय करना चाहिए, दिस इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का मस्कारा। सो नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ सम फेक लैशेस, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट मैं इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट कर रही हूँ सेम हाइलाइटर से। सो लिपस्टिक के लिए मैंने फर्स्ट अप्लाई की है ये ब्लू हेवन की पाउडर मैट लिपस्टिक गाइज इन द शेड मगोरसी मूवमेंट B03। सो उसके बाद मैंने अप्लाई की है ये मेरी फेवरेट ब्लू हेवन की हाइपर स्टे वेटलेस लिक्विड लिपस्टिक गाइज इन द शेड 11। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल पिंकिश न्यूड शेड। एंड लास्ट मैंने अप्लाई की है अगेन ये ब्लू हेवन की पाउडर मैट लिपस्टिक इन द शेड चेस्टनट।
सो यंग लवलीज, आई होप आपको मेरा ब्यूटीफुल सा गणेश चतुर्थी मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी और आपको ये वीडियो देख के मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको ये मेकअप लुक कैसे लगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, वहाँ पे एक बेल बटन होगी उसको भी क्लिक कर देना, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आएगा। और अगर आप ये मेकअप लुक्स भी क्रिएट करते हो तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना मत भूलिएगा, मेरा हैंडल है prettygirlpriya34। सो आई लव योरसेल्फ, बाय, टेक केयर, और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।